हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। मोलारिटी हम जानते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इन टू क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। और अब ध्यान दीजिए, इसके डेफिनेशन से हम जानते हैं कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था, वॉल्यूम इन लीटर, यानी पर लीटर एक लीटर। तो यहां पर वॉल्यूम का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, है ना। हेंस वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। लेट द इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसे याद रखना है, ठीक है। हम इसे किनारे में लिख लेते हैं अभी कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्योंकि इसका यूज बाद में होगा, ठीक है। चलिए इसे याद रखना है। अब ध्यान दीजिए अगेन, अब कह रहा है यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन। अब हमें यह जानना है कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है, एक रेशियो का नाम है। किसका रेशियो है, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर अगर वन सॉल्वेंट अगर सॉल्यूट लेंगे तो सॉल्यूट क्या होगा, ऊपर होगा। अगर सॉल्वेंट लेते तो सॉल्वेंट ऊपर होता है, ठीक है। ऊपर होने का मतलब है ना, ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन बना किससे होता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। चलिए अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ठीक है। हम जानते हैं यहां पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एक बात बताइए, यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन। यानी कहा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें क्या निकाल लेना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कह रहा है यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, मोलर मास, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम M2 से इंडिकेट कर देते हैं, M2, ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैपिटल M1 से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, हाँ। चलिए, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज आप, तो जब हम इतना चीज जानते हैं, प्रीवियस डिस्क है ना लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सोचिए अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है तो ये सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा।
यानी मेरा सबसे पहला काम क्या है, मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉलिड निकालना। अगर मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉलिड निकल गया तो मोल फ्रैक्शन मेरा इजी निकल जाएगा, ठीक है, जिससे हम इन दोनों के बीच इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला पर्पस क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखिए यहां पर मास ऑफ सॉलिड, अब मास ऑफ सॉलिड कैसे कैलकुलेट होगा, यहां देखिए मास ऑफ सॉलिड है ना, तो हम चूंकि जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉलिड है ना, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि मोलर है ना मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हम इजीली कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें, तो आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है यहां पर कि मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगेन अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे हम, देखिए चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है ना, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो देखिए तो अब हम जानते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डी, मान लेते हैं सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है, डी है, और हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे हम इंडिकेट कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डी इज इक्वल टू, ठीक। अब देखिए अब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml, ठीक है। अब इसे हम ml में यहां पर क्यों चेंज कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर करा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की मेन क्वेश्चन कितना है, तो कह सकते हैं 1 लीटर है, मोलारिटी के डेफिनेशन से 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, तो 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर, 1000 ml, hence we can say mass of solution is equal to density of solution into क्या हो जाएगा, 1000 ml। अब ध्यान दीजिए, अब हम जानते हैं कि density का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहां पर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इनटू क्या हो गया, 1000 ml है ना, और हम जानते हैं 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³ है ना, तो यहां लिखा हुआ है ml, तो ये ml और ये सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा, देखिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 × d, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना ग्राम आ जाएगा, ठीक है, तो डेंसिटी 1000 × d, ठीक है, 1000 × d यानी इतना ग्राम आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है। तो देखिए मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहां पर कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 × क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन,
ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। आप सोचिए मास ऑफ सोल्यूशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मास ऑफ सॉलिड कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या मास ऑफ सॉलिड नहीं निकलेगा, इजी निकल जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब देखिए, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलता है, हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल चुका है मेरा, 1000 into D माइनस क्या हो जाएगा यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो यहां दिखा हुआ है एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम M1 से इंडिकेट किए हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मेरा क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब सोचिए मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा निकल चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट निकल चुका है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल चुका है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है, सभी का निकल सकता है। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, दैट मींस फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास चाहिए था, मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो अब हम जानते हैं मोल, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखिए तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा कैसे, ठीक है, तो बेचिंग ग्राम यहां दिया हुआ है, अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है, तो देखिए यहां पर तो कह रहा है मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 इनटू डी माइनस क्या हो जाएगा एन सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम M2 से इंडिकेट किए थे, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M1, ठीक है। अब देखिए तो इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मेरा रिलेशन ही निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए तो ये मेरा क्या निकल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू इतना, ठीक। अब देखिए तो अभी इसे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ M2 एलसीएम निकलेगा, तो देखिए एलसीएम M2 क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम होगा, और जब M2 एलसीएम होगा तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एन सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा M2 प्लस क्या हो जाएगा 1000 इनटू डी माइनस हो जाएगा यहाँ पर एन सॉल्यूट इनटू M1, और ऊपर में क्या बचा हुआ रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखिए ये M2 क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्यों आ जाएगा, है ना, ऊपर क्यों आ जाएगा, ठीक, इसलिए हम जानते हैं यहाँ पर कि x मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका M2 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है n, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर n सॉल्यूट अपॉन क्या बचेगा मेरा यहाँ पर n सॉल्यूट है ना, इनटू क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2, और प्लस क्या बचेगा 1000 D माइनस n सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा M1, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इतना है ना। इसी को हम क्या किया, केवल इसको केवल ऊपर ले आए, बाकी जो जैसे था वैसे लिख दिए, है ना।
अब देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ देखिए, अब कह रहा है यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है, हम क्या करते हैं अभी एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ एम हो जाएगा एम एम टू, ठीक है, अच्छा एन सॉल्यूट, अच्छा ठीक है। यानी यहां से हम ले लेते हैं पहले, अच्छा पहले ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स सॉल्यूट मल्टीप्लाई होगा इंटू क्या हो जाएगा आपका एन सॉल्यूट हो जाएगा, एन सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा एम टू हो जाएगा, है ना, एम टू हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 डी माइनस एन सॉल्यूट इंटू एम वन, है ना, इंटू एम वन, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू एक्स सॉल्यूट और इज इक्वल टू मेरा क्या बचेगा, यहां बच जाएगा मेरा एम टू इंटू एन सॉल्यूट, ठीक है, एन सॉल्यूट बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ला रहे हैं, बाद में क्या होगा ये खुद ब खुद, ठीक है, एस सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो एक्स सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर एन सॉल्यूट, ठीक है, इंटू क्या हो गया यहाँ पर एम टू, ठीक। प्लस यहाँ देखिए 1000 डी इंटू क्या हो जाएगा एक्स सॉल्यूट, है ना, एक्स सॉल्यूट, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर एन सॉल्यूट इंटू एम वन इंटू क्या हो जाएगा एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एम टू इंटू एन सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एन सॉल्यूट है, यहाँ पर एम टू है, एन सॉल्यूट है, यहाँ पर एम वन है, हाँ। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, कॉमन निकल जाएगा ना, या ऐसा करते हैं इसको पहले इधर ले आते हैं, ठीक है, अच्छा देखिए। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर अब कर रहे हैं एक्स सॉल्यूट इंटू एन सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या हो गया एम टू, प्लस क्या हो गया 1000 इंटू डी इंटू एक्स सॉल्यूट, ठीक है, माइनस क्या हो रहा है एन सॉल्यूट एम इतना सॉल्यूट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब हम क्या करते हैं इसको एन सॉल्यूट और एम टू, इसको हम क्या करते हैं, ये जो आपका माइनस है इसको हम क्या करते हैं प्लस में इधर ले आते हैं, ठीक है, यानी ठीक है इसको कर लेते हैं, अच्छा पहले इधर से कॉमन निकाल लेते हैं पहले इसको, ठीक है। यहां देखिए एक्स सॉल्यूट है और एक्स सॉल्यूट, ठीक है, इंटू क्या हो रहा है एन सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा एम टू, ठीक, ये माइनस को हम इधर ले आते हैं पहले, उसके बाद इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन सॉल्यूट, ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, रुकिए एक मिनट, है ना, ऐसा करते हैं इसको रह देते हैं, बाकी सबको हम क्या करते हैं राइट साइड ले आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर 1000 इंटू डी, है ना, इंटू डी क्या हो जाएगा एक्स सॉल्यूट हो जाएगा 1000 डी, है ना, इंटू एक्स सॉल्यूट, एक्स एक्स मिल जाता है ना, अच्छा एक्स सॉल्यूट पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा 1000 डी, ठीक है, एक्स सॉल्यूट इंटू 1000 डी इज इक्वल टू, अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है एम टू इंटू यहां लिखा हुआ है एन सॉल्यूट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एन सॉल्यूट, अब ये जो माइनस है इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हाँ, ये जो माइनस है राइट साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एन सॉल्यूट हो जाएगा,
एन सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा एम वन इंटू एक्स सॉल्यूट, यहाँ इंटू वेंशन है ना, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पर एन सॉल्यूट डॉट क्या होगा एम वन, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एक्स सॉल्यूट, और ये जो आपका प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस क्या हो जाएगा एक्स सॉल्यूट, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एन सॉल्यूट, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा एम टू, है ना, इंटू क्या हो जाएगा एम टू, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर, ठीक है, ये सब हम क्या किए, ये जो आपका दिया हुआ 1000 इनटू एक्स सॉल्यूट, इसको हम लेफ्ट साइड ही रखें, बाकी सबको क्या किया हम राइट साइड ले, ठीक है, राइट साइड में ये मौजूद है, ये माइनस जो इधर आया क्या हो गया प्लस हो गया, देखिए एन सॉल्यूट इंटू एम वन इंटू क्या हो गया एक्स सॉल्यूट, ये प्लस में इधर आया क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। चलिए यानी देखिए यहां पर एक्स सॉल्यूट इंटू एन सॉल्यूट इंटू क्या हो गया एम टू, ठीक। चलिए अब देखिए, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां पर पहले है ना, ये जो एन सॉल्यूट है, एन सॉल्यूट, ठीक है, अब हम जानते हैं कि एन सॉल्यूट इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या माने थे कि एन सॉलिड इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एन सॉलिड इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एन टू होगा ना, एन टू एक्स सॉलिड है ना, ठीक है। तो कह रहा है एन सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब देखिए तो जब मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा तो यहां देखिए यहां पर यहां एन सॉलिड यहां लिखा हुआ है ना, एन सॉलिड यहां लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं पहले मोलारिटी में तो सॉल्यूशन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है यहां पर है ना प्लस, यहां पर देखिए यहां पर एन सॉल्यूट, इसे भी क्या करते हैं मोलारिटी, यहां भी देखिए लिखा हुआ है मोलारिटी, तो क्या हो जाएगा मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा एम वन इंटू एक्स सॉल्यूट, और माइनस क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एक्स सॉल्यूट, ठीक है, इंटू यहां क्या हो जाएगा मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा एम टू, ठीक, इज इक्वल टू आपका यहां तक क्या बचा हुआ था 1000 डी इंटू एक्स सॉल्यूट, ये बचा हुआ था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब देखिए यहां पर एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, यहां देखिए एम टू इंटू एम सॉल्यूशन है ना, एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, ठीक है, यहां से दोनों क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां देखिए अब कह रहे हैं यहां पर एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, एम सॉल्यूशन, और यहां देखिए यहां पर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे या एक साथ पहले देख लीजिए तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। पहले हम इसको क्या करते हैं एक्स सॉल्यूट इंटू एम सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा एम टू, अब बाकी ये जो बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं एम सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एम वन इंटू क्या हो जाएगा एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट, ठीक है, एम वन इंटू एक्स सॉल्यूट है ना, एम सॉल्यूशन एम वन एक्स सॉल्यूट, ठीक। चलिए यहां तो कोई दिक्कत है, देखिए ना एक बार फिर से देख लीजिए, यहां देखिए एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, ये माइनस वाला है, माइनस वाला पहले लिख लिए प्लस वाला बाद में, ठीक है। यहां देखिए एक्स सॉल्यूट एम सॉल्यूशन एम टू, प्लस क्या हो गया एम सॉल्यूशन एम वन एक्स सॉल्यूट, ठीक। अब देखिए यहां पर एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, एम टू इंटू एम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, एम सॉल्यूशन कॉमन नहीं करेगा तो क्या बचेगा वन माइनस एक्स सॉल्यूट, वन माइनस एक्स सॉल्यूट, और प्लस क्या आ जाएगा आपका एम सॉल्यूशन इंटू एम वन इंटू एक्स सॉल्यूट, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, इज इक्वल टू मेरा क्या बच जाएगा यहां पर 1000 डी इंटू एक्स सॉल्यूट, ठीक है, एक्स सॉल्यूट। अब ध्यान दीजिए ठीक है, अब देखिए अब यहां से देखिए 1 माइनस एक्स सॉल्यूट है, हम जानते हैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ
मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कह रहा है सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के में जो भी कंपोनेंट मौजूद होता है, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना, उन सभी का मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो कितना होता है, वन होता है, ठीक है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन वन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है, हम जानते हैं इसके बारे में, यानी एक्स सॉलिड प्लस एक्स सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब इतना चीज हम जानते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो वन माइनस एक्स सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्वेंट, यानी एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, एक्स सॉलिड होगा, इसलिए अब देखिए, तो इसलिए यहां पर वन माइनस एक्स सॉलिड का प्लस हम क्या पुट करेंगे, एक्स सॉल्वेंट पुट कर लेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1000d into x solute x solid is equal to m2 into m solution, ठीक है, into into m solution, है ना, सब क्या हो रहा है, सब mass of solution है, molar mass of, है ना, ये क्या हो गया, mass of solvent, ठीक है, ये molar mass of solvent, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, एम टू इंटू एम सॉल्यूशन, अब ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट प्लस, अब देखिए यहां पर क्या रहा, एम सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इंटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अब देखिए तो क्या क्या निकल रहा है यहाँ पर, एम सॉल्यूशन, यहाँ पर एम सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एम सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन कॉमन निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर एक्स सॉल्वेंट इंटू एम टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम वन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या जाएगा, एम वन, ठीक, देखिए तो यहाँ पर है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू एम टू प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस एम वन, ठीक, है ना, इज इक्वल टू कितना गया, 1000 डी इंटू एक्स सॉल्यूट, ठीक है, अब हमें मास ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूशन, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मेरा रिलेशन क्या निकल गया, देखिए तो 1000 d into x solute upon क्या हो जाएगा यहां पर, x solvent into molar mass of solvent, ठीक है, plus क्या हो जाएगा यहां पर, x solute into molar mass of solute, ठीक है, ये देखिए एक रिलेशन आ गया, है ना, देखिए कितना इजी रिलेशन आ गया, अब कह रहा है कि मोलारिटी, है ना, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मोलारिटी और, ठीक है, इसमें रिलेशन क्या रहा है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन आया, ठीक है, तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में रहा, देखिए किस तरह से रिलेशन आ रहा है, ठीक है, अच्छा ये हाँ एम सॉल्यूशन हो गया, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ ये मोल, ये क्या है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, ध्यान देना है, हम मास ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, इसलिए मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 डी इनटू क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल, है ना, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और प्लस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी इस तरह से क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है, तो याद कैसे होगा, यहां देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का या मोलर मास है सॉल्वेंट का, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, उसी प्रकार यहां देखो मोलर मास ऑफ सॉलिड है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड है, ठीक है, यानी सॉलिड को एक साथ रखना है, सॉल्वेंट को एक साथ रखना है, ठीक है, ऊपर में क्या जाएगा, 1000 इनटू एक्स सॉलिड, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या जाएगा, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन देम, ये सब आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन होगा, ठीक है, इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन हैंस It is the required relation between molarity of the solution and mole fraction. ठीक है, दोनों के बीच क्या relation होता है,
तो आप केवल इस रिलेशन को याद करके मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच आने वाले न्यूमेरिकल्स को ठीक है हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे ऑन यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए इजी केमिस्ट्री के साथ। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।